वहीं बालाघाट में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसके पास से 2 देसी कट्टे बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को रिमांड पर ले लिया है। बता दें कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी जिसके बाद पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सर, एक देसी कट्टे के साथ में एक युवक को गिरफ्तार किया है। ये थाना कोतवाली में जो है ASI नीलकंठ सोनी देवकंठ सोनी को मुखबिर के द्वारा जो है वारंटी पता तलाश के दौरान सूचना मिली थी कि एक युवक जो है मोटरसाइकिल से जो है डेंजर रोड तरफ जो है गया और उसके पास जो है मुखबिर के द्वारा कट्टा जो है देखा गया था। इस सूचना पर जो है प्रधान आरक्षक सोनी के द्वारा जो है ये प्रधान आरक्षक जो है 322 दिनेश पंचेश्वर और आरक्षक जो है कृष्णा को लेकर जो है तस्दीक की गई, जिसमें जो है मोटरसाइकिल चालक द्वारा पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया गया। तब जो है स्थानीय साक्षियों के साथ मिलकर जो उसको घेराबंदी करके पकड़ा गया, जिसमें जयराज पिता मनीराम खुड़साम जो कि रामजी टोला जो है तिरौड़ी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसके पास से 1-2 नाली जो है देसी कट्टा जो है बरामद हुआ है और पूछताछ को उसके द्वारा जो है किसी एक अन्य आरोपी का नाम बताया गया, उसकी तस्दीक जो है वर्तमान की जा रही है और विवेचना के दौरान जिन भी लोगों की संलिप्तता जो है उस प्रकरण में किसी की गिरफ्तारी की जाएगी। क्या कार्रवाई की गई सर इस पर? जो है लाइसेंस नहीं था इसके पास, तो जो है अवैध हथियार जो ये अपने जो है पोजिशन में लिए थे, जिस पर जो है 18-25 साल के तहत कार्रवाई की गई। थैंक यू।